हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? ओके, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 के एग्जांपल्स, जो बुकलेट में ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो आज हम सब वन बाय वन करके देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम, 6.7 × 10⁻²⁺ एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, 7.5 × 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर. इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6.70 seconds. What is the magnitude of the magnetic field? Okay. Total time दिया है और total oscillations के numbers दिए है, तो आप time period find कर सकते हो कि time period T is equals to total time 6.70 divided by 10 is equals to 0.67 seconds. Okay. अब oscillations जो हो रहे हैं वो magnetic needle के हो रहे हैं, तो time period का जो formula है T equals to 2π√iμb. T equals to 2π√iμb में से हम b को फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्वायर करो, t स्क्वायर 4π²iμb, b सब्जेक्ट 4π²iμt². नाउ अब वैल्यू रखते हैं 4, 3.14 स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 × 10⁻², और जो टाइम पीरियड आया वो आया 0.67 सेकेंड्स. कैलकुलेशन आएगा 98.3 × 10⁻⁴ टेस्ला, 0.00983 टेस्ला, which is equals to 0.01 tesla. तो ये हुआ आपका example number 1. example number 5.2. a short bar magnet placed with its axis at 30 degree, मतलब के theta angle is given, with an external field of 800 gauss. मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 0.16 न्यूटन × मीटर. तो ये हो गया हमारा टॉर्क. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि एम फाइंड करो. व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल, मतलब कि 0 डिग्री, से मोस्ट अनस्टेबल, मतलब कि 180 डिग्री पोजिशन. द बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय अ सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, एंड 1000 टन्स, ये हो गया एन. बट इज द सेम मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, करंट आई फाइंड करो. ओके, लेट्स गो. सबसे पहले जो मैग्नेटिक दिया है, मैग्नेट दिया है,
कि कितना मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बी इक्वल्स टू 800 गॉस, 8 × 10⁻²⁺ टेस्ला, 8 × 10⁻²⁺ टेस्ला। तो फर्स्ट टॉर्क ऑन बार मैग्नेट टाउ इज इक्वल्स टू mb sin θ, देयरफॉर m सब्जेक्ट बनाओ ना, तो टाउ और बी नीचे ले लो, sin 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? 16 × 10⁻³। व्हाट इज बी? 8 × 10⁻²। sin 30, इट्स 1/2, ये कैंसल, 4, 4 × 4 = 16, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। लेट्स मूव सेकेंड। सेकेंड में वर्क डन है, जहां पे मोशन स्टार्ट होती है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से थीटा 2 = 180 डिग्री तक जाती है। कितना वर्क डन होगा? उतना वर्क डन होगा जितनी एनर्जी चेंज होगी। यू इज इक्वल्स टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, W m 0.4, b 8 × 10⁻², cos 0 माइनस cos 180, 3.2 × 10⁻², cos 0 1, cos 80 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, 3.4 × 10⁻²⁺ जूल। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। नेक्स्ट सी, नाउ बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय, जो आपका बार मैग्नेट है उसे रिप्लेस करना है, तो इज रिप्लेस बाय सोलेनॉइड, और वो जो सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो वैल्यू सेम है लेकिन सोलेनॉइड का फॉर्मूला अलग है, NiA, m इज इक्वल्स टू निया। तो हम I को सब्जेक्ट बनाएंगे, m/Na, m इट्स 0.4, 1000 टन मतलब 10⁻³, 2 × 10⁻⁴, सो I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर इज योर आंसर। एग्जाम्पल 5.3, वॉट हैपन्स इफ बार मैग्नेट इज कट इंटू टू पीसीस, फर्स्ट इज ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, सेकेंड अलोंग इट्स लेंथ। चलो बाय वन सॉल्व करते हैं इसमें, तो कि सबसे पहले क्या है तो ध्यान से देखो कि पहला जो मैग्नेट है लाइक दिस, ये N है, ये S है, अब ये यहां से ब्रेक होगा, बीच में से ब्रेक होके कुछ ऐसा बनेगा, NS NS,
Here, both PCs behave as independent magnet. पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, मतलब जो क्यू एम है वो क्यू एम ही रहेगी, ये लाइक दिस, ओके। यहां पे लेंथ चेंज होती है, लेंथ बिकम्स हाफ, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2L के हिसाब से जो नया बनेगा एम डैश वो लेंथ हाफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगी। लेंथ अगर हाफ होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोलते हैं, अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ये मैग्नेट है, ये NS है, यहां से ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, NS, NS, ओके। तो ये स्टेटमेंट कॉमन आएगा हियर, जब ये एक्सिस में से ब्रेक होगा तो आपका जो मैग्नेट है उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो हियर पोल स्ट्रेंथ जो होगी, नई पोल स्ट्रेंथ क्यू एम डैश, वो पुरानी पोल स्ट्रेंथ से हाफ होगी क्योंकि हमने इसे एक्सिस में से कट किया है। नेक्स्ट, लेंथ रिमेन्स सेम, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ फॉर्मूला ऑफ क्यू एम इंटू 2L। अब जो क्यू हाफ हो गई तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी हाफ हो गया। थ्योरी पोर्शन में आप चेक करना, हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नेट फोर्स, बट नो नेट फोर्स, एंड आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट However, experience a force of attraction in addition to a torque. Why? Because bar magnet never form a uniform magnetic field. ये bar magnet है, ठीक है, तो bar magnet का ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, magnetic field bend होके वापस आएगा। तो अगर मैंने यहां पे कोई नीडल रखी है, यहां पे ये नीडल, तो ये जो पार्ट है नीडल का, दिस पार्ट इज इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पार्ट होगा वो वीक फील्ड में होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में फोर्स ज्यादा होगा, वीक फील्ड में फोर्स कम होगा, तो इसीलिए हियर फोर्सेस आर नॉट इक्वल। अब फोर्सेस इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली है रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स acts as well as
टॉर्क, और टॉर्क भी वहां पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कंफिग्रेशन हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल? व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ टॉरॉइड? ओके, हर एक फील्ड को नॉर्थ और साउथ होना ही चाहिए, तो मेरा आंसर है नो। अब जो नो का रीजन है वो तो उन्होंने दे दिया है, सी टॉरॉइड। नॉर्थ मतलब एमर्जिंग पॉइंट, साउथ मतलब एंटरिंग पॉइंट। मतलब कि अगर मेरे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ है, तो ये हो गया मेरा एमर्जिंग पॉइंट और ये हो गया मेरा एंटरिंग पॉइंट। लेकिन अगर बात करते हैं टॉरॉइड की, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि ये टॉरॉइड है, सर्कल फॉर्म में कहीं पे भी एंट्री और कहीं पे भी एग्जिट नहीं मिलती है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे लूप में जा रहा है। तो यहां पे आपको कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी ना तो आपको एग्जिट पॉइंट मिलेगी। तो टॉरॉइड के अंदर, इन टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज इन लूप, मैग्नेटिक फील्ड इज इन सर्कुलर लूप, और जब वो सर्कुलर लूप में होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी डी। डी में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन्स, आई सॉरी आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। वी डू नॉट नो विच वन। मतलब मेरे पास दो टुकड़े हैं आयरन के, उसमें से एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट नहीं है। हाउ वुड वन अर्सर एज सर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड? इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज, हाउ डज वन एज सर्टेन विच वन? सिंपल है, ध्यान से देखो और समझो। सपोज मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, दो पीसी से आयरन पीस, ओके, ये एन है ये एस है, ठीक है। अब ये दो दोनों मैग्नेटाइज है या क्या है वो नहीं पता, लेकिन चलो मैग्नेटाइज लेते हैं, ये एस है ये एन है, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक कॉमन बात है। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने एक मैग्नेट को पलट दिया, ध्यान से सुनना हो, एक मैग्नेट को मैंने पलट दिया 180 डिग्री से, इसे मैंने रिवर्स कर दिया, तो डेफिनेट इन दोनों के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। अब ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा है, दैट मींस बोथ आर मैग्नेट। देखो अट्रैक्शन तो कॉमन बात है, मैग्नेट और आयरन लोगे तो अट्रैक्शन तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन जब दोनों मैग्नेट होंगे तो अगर एक बार अट्रैक्शन हुआ तो आप उसे रिवर्स करके चेक करो तो दूसरी बार रिपल्सन होगा, ठीक है, एक को ही रिवर्स करो जैसे मैंने किया। अगर सपोज ये मैग्नेट ना होता, ध्यान से सुनना, अगर ये मैग्नेट ना होता तो मेरे रिवर्स करने पर भी इसके ऊपर तो अट्रैक्शन फोर्स ही लगता, क्योंकि आयरन पे मैग्नेट किसी भी एंड से सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट
अट्रैक्शन ही लगाता है। अगर ये पीस आयरन के होते तो इन दोनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन लगता, और अगर ये दोनों मैग्नेट होते तो कोई एक कंडीशन में अट्रैक्शन तो दूसरी रिवर्स कंडीशन में रिपल्शन होता। डेफिनेट है ये, क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों में से मैग्नेट कौन है और आयरन कौन है। ओके, एकदम सिंपल एग्जांपल है, वो ध्यान से देखो। मेरे पास ये एक पीस है, ठीक है, और मेरे पास ये एक टुकड़ा है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसे ऊपर की ओर मूव करवा रहा हूं, ऊपर की ओर, और इसके ऊपर मतलब ये कहां जा रहा है, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर। अगर ये सेंटर पे जा रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये सेंटर पे जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी फोर्सेस के चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, दैट मींस ये हो गया हमारा आयरन। क्यों? क्योंकि जब आयरन स्ट्रिप किसी मैग्नेट के सेंटर की ओर मूव करेगी, ऐसे मूव सेंटर की ओर मूव करेगी, तो उसके ऊपर फोर्सेस का जो चेंजेस है वो नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, लेकिन अगर ये मैग्नेट होता और ये आयरन होता, तो इन दोनों का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता, इसके ऊपर फोर्स बढ़ता जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैग्नेट आयरन के नजदीक आता है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ध्यान से देखो, अगर ये ऊपर गया और अगर यहां पे किसी दोनों में से किसी एक पे आप चेक करो, अगर फोर्स की वैल्यू आपको चेंज मिल रही है, मतलब कि अगर आपने हाथ से पकड़ा है तो अगर आपके हाथ में खिंचाव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेट है। तो ध्यान से देखना कि कौन मैग्नेट है और कौन आयरन है। जब आयरन स्ट्रिप को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, तो अगर फोर्स इसके ऊपर चेंज नहीं होगा, मतलब आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि फोर्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट मींस ये आयरन है। और अगर सेंटर की ओर जाओगे और ये मैग्नेट होगा, तो ये उसका नॉर्थ पोल होगा और ये सपोज साउथ पोल होगा। तो जैसे जैसे वो नजदीक आएगा, मैग्नेट के और आयरन के बीच की स्पेस कम होगी। उन दोनों की बीच की जब स्पेस कम होती है, तो उनके ऊपर का फोर्स इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मैग्नेट है और कौन आयरन है। तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4, What is the magnitude of equatorial and axial field due to a bar magnet of length 5 cm at distance 50 cm from its midpoint? Magnetic moment of the bar magnet is 0.40 ampere meter square, the same as the example number 5.2. Okay, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग find करते हैं axis पे। तो ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, डिस्टेंस 2L। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर है, और मुझे 50 सेंटीमीटर मतलब यहां कहीं फाइंड करना है, लेकिन मैं उतना दूर नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे भी पेज की एक लिमिटेशन है R। तो लिख सकते हैं कि हियर R is greater than L or greater than 2L, ठीक है, L से ज्यादा है। L कितना होगा? 5 का हाफ, 2.5। तो इससे तो ये 20 गुना ज्यादा है। Therefore, हम लिख सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इज बी इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई
टू एम बाय आर क्यूब, ओके, टेन रेस टू माइनस सेवन टू पॉइंट फोर आर पॉइंट फाइव होल स्क्वायर, ओके। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा 6.4 टेन रेस टू माइनस सेवन टेस्ला, ओके। चलो अब बात करते हैं इक्विटोरियल की। यहां कहीं क्यू पॉइंट है, ओके। एक बात याद रखना, फॉर सेम मैग्नेट डिस्टेंस इज इक्वल, और फॉर सेम मैग्नेट एंड सेम डिस्टेंस बी इक्विटोरियल इज म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई एम बाय आर क्यू विच इज हाफ ऑफ द बी एक्सिस। Therefore, B equatorial, it's 6.4 10 raised to minus 7 divided by 2, and the answer is 3.2 10 raised to minus 7 Tesla. Okay, this is your example number 4. Example number 5.5. The figure 5.5 shows a small magnetized needle P. ये है small magnetized needle. Magnetic moment हमें पता है S to N जाती है magnet के अंदर. P placed at point O. An arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrows, मतलब कि ये जो दूसरे हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा बोल्ड करता हूँ ताकि आपको दिखे एग्जैक्टली, ये other arrows shows different position and orientation of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. In which configuration system is not equilibrium? In which configuration system is stable, unstable? Which configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configurations shown? Okay. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं। तो भाई ये जो है वो आउटवर्ड जा रहा है, और आउटवर्ड से यहां कुछ ऐसे आ रहा है, और यहां से वापस अंदर जाता है, ठीक है। सेम पेज पे यहां पे अगर देखो तो ये बाहर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, और ये ऊपर की ओर वापस जा रहा है, ठीक है। अब हमें जो काम करना है वो जरा ध्यान से देखना है कि भाई जो Q1 और Q2 है उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है, एक मिनट, यहां पे आप ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। Q1 और Q2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर Q1 एंड Q2
मैग्नेटिक मोमेंट एम इज परपेंडिकुलर टू द बी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर यू वन इज इक्वल्स टू यू टू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 90, कॉस 90 इज जीरो। और जब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है तो उसे हम लोग नॉट इन इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ एनर्जी चाहिए, मैग्नेट के पास कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है, Q1 एंड Q2 का। चलो दूसरा देखते हैं फॉर Q3। Q3 जो है हियर M एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर डाउनवर्ड, सो मैग्नेटिक मोमेंट M इज पैरेलल टू B, therefore theta equals to 0 degree, therefore u3 equals to minus mb cos 0 minus mb, okay। और जब एनर्जी नेगेटिव होती है दैट मींस वो सबसे स्टेबल कंडीशन मानी जाती है, स्टेबल स्टेट। तो हमारा पहला आंसर इसमें आएगा Q3 और दूसरे के लिए हम लोग वेट करेंगे। चलो नेक्स्ट फॉर अ Q4। Q4 इज डाउनवर्ड बट मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, तो लिखो कि भाई फॉर Q4 M एंड B आर एंटी पैरेलल, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। U4 माइनस एम बी कॉस 180, cos 180 it's minus 1 minus minus plus it's mb। जब एनर्जी पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल स्टेट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके Q4। चलो 5 के लिए देखते हैं क्या होता है। हियर 5 इज अपवर्ड, यहां पे डाउनवर्ड, फॉर Q5 थीटा इज 180, देयरफॉर U5 इट्स MB, U5 इट्स MB, और MB मतलब कि मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। एंड द लास्ट Q6। Q6 के लिए आप देखोगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री, और जब 0 होगा तो ये होगा माइनस एमबी, क्या होगा माइनस एमबी, और माइनस एमबी का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये आपका Q6।
एक बार ध्यान से और शांति से लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, विच कंफिग्रेशन कोरस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। लोएस्ट मतलब कि ये Q3 और Q6 में से ही किसी एक की लोएस्ट होगी। तो अब ध्यान से फिगर चेक करो, Q3 जो है वो इक्वेटर पे है और Q6 जो है वो पोल पे है, सेम डिस्टेंस पे। Q3 एंड Q6 आर एट सेम डिस्टेंस, आर एट सेम डिस्टेंस, बट Q3 इज ऑन इक्वेटर एंड Q6 इज ऑन पोल। तो हमें यह पता है कि इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोल से, सॉरी, एक्सिस से कम होता है, पोल नहीं, एक्सिस। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है। दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेटर मतलब के 3, एक्सिस मतलब 6। ओके, दोनों साइड नेगेटिव दे दो। जब नेगेटिव दोगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी U3 इज ग्रेटर देन U6, तो ये हो गई हमारी लोएस्ट। तो किसके पास सबसे लोएस्ट कंफिग्रेशन होगी, तो वो है Q6, Q6। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5.5। एग्जाम्पल 6, मेनी ऑफ डायग्राम्स इन फिगर शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, थिक लाइन्स इन द फिगर, रॉन्गली पॉइंट आउट वॉट इज रॉन्ग, उसमें रॉन्ग क्या है विद देम। सम ऑफ देम डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स करेक्टली, पॉइंट आउट विच वंस। ओके, ध्यान से देखो, बात किसकी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है। तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक तो वो क्लोज लूप बनाए, ठीक है, और सेकंड, एंड पॉइंट पे, जब एंड पॉइंट होंगे वहां पे वो थोड़ी सी भी कर्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। तो अगर बात करें फर्स्ट फिगर की, तो इसमें जस्ट फिगर बाहर ही जाती है, सपोज यहां से बाहर जाती और यहां से अंदर आती तो शायद कुछ सोच सकते थे, लेकिन यहां पे तो सिर्फ बाहर ही जा रही है। तो बाहर जाना मतलब कि ये कोई ना कोई पॉजिटिव पोल होगा। तो दीज लाइन्स फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टेटिक पॉजिटिव चार्ज की ये कोई फील्ड लाइंस होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आउटर है। क्या है, आउटर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हो ही नहीं सकती। बात करते हैं बी की, तो ये जो फील्ड लाइन से वो इंटरसेक्ट करती है और कर्व भी नहीं है, तो बी के लिए ले सकते हैं कि जो लाइंस होती है, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये तो मैग्नेटिक भी नहीं है और इलेक्ट्रिक भी नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सी, यस, यहां पे देखो आप क्लोज लूप बन रहा है। ओके, तो यहां पे हम बोलेंगे कि फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप,
और ये क्या है? ये टॉरॉइड है। क्या है? टॉरॉइड है। तो टॉरॉइड के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली मिलने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉरॉइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पे तो फील्ड लाइंस मिल रही है जो जस्ट लाइक अ सोलेनोइड जैसा लग रहा है। देखो टर्न्स है, फील्ड्स भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैंड नहीं है, मतलब कि ये स्ट्रेट ही जा रही है। अगर बैंड होती, ऐसे बैंड होती, ठीक है, तो ये सोच सकते थे कि आज नहीं तो कहीं वो वापस अंदर आ सकती थी। तो यहां पे ये मेंशन कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस आर नॉट इन बैंड फॉर्म एट द एंड्स, दोनों एंड में से वो बैंड नहीं हो रही है। तो मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। सेकंड ई, देखो यहां पे बैंड हो रही है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो क्लोज लूप भी बना रही है। तो यस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट। ओके, देखो सेम यहां पर एक कर्व है, क्लोज लूप बन रहा है। नहीं, क्लोज लूप नहीं बन रहा है, चेक करो, ये आउटर है, ये इनर है। गुड 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 गुड। तो इसके हिसाब से ये डायरेक्शन ऐसे होके इस ओर जानी चाहिए, लेकिन ये देखो तो किस ओर आ रही है बुक में, नीचे की ओर। मतलब ये कह सकते हैं कि इस प्लेट से फील्ड बाहर की ओर जा रहा है। तो ये फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट है और ये जो फील्ड है वो नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव प्लेट है। तो ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, दीज आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की फील्ड लाइन्स है यहाँ पे। ठीक है, और एकदम लास्ट, लास्ट में ध्यान से यहां पे देखते हैं थोड़ा सा जूम करके कि यहां पे जो फील्ड लाइन से वो बैंड नहीं हो रही है, और जब बैंड नहीं होगी, नो बैंडिंग, बैंड नहीं है, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लियर? अगर बैंड नहीं है तो वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी, और क्लोज लूप नहीं बनेगा तो डेफिनेटली मेरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, ये दोनों, सिर्फ ये दोनों और कोई नहीं। मैंने सर्कल भी बनाए हैं आंसर्स पे कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, दिस फॉर अ टोरॉइड, दिस फॉर बार मैग्नेट, एंड रेस्ट आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड्स। एग्जाम्पल 5.7A, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट
along which a small magnetized needle aligned. Do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charge particle at every point? तो जो मेरा आंसर है वो है नो. क्यों नो? ओके, नो. उसका रीजन देता हूं मैं. अगर फोर्स के फॉर्मूला की बात करो तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो B के परपेंडिक्यूलर में है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फील्ड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है तो फोर्स लाइन उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी. तो फील्ड लाइन और फोर्स लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई आप इसे फोर्स लाइन नहीं बोल सकते. क्लियर? सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी एंटायरली कंफर्म्ड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड. व्हाई? मतलब कि यहां पे जो फील्ड लाइन्स है, ठीक है, वो अंदर पूरी की पूरी टोरॉइड के अंदर समाई हुई है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर ऐसा नहीं है. सोलेनॉइड के अंदर क्यों ऐसा नहीं है? तो ध्यान से देखो, सपोज ये सोलेनॉइड है, ठीक है, तो यहां से फील्ड आउट हो रहा है, मतलब कि बाहर निकल रहा है. तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास ऐसा लूप होना चाहिए जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इंटीग्रेशन ओवर सरफेस मस्ट बी जीरो. मतलब ये जो बाहर निकल रहा है तो कोई अंदर भी आना चाहिए. जितना बाहर निकलेगा उतना अंदर आएगा, ठीक है, लाइक दिस. जबकि बात करते हैं टोरॉइड की, ठीक है, तो टोरॉइड के अंदर ऐसी ना तो एंट्री ना तो एग्जिट होती है. इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई टोरॉइड के अंदर जो भी लाइंस होती है वो कोर के अंदर ही होती है, जबकि यहां पे लाइन आपको बाहर भी मिलेगी. क्यों? क्योंकि दोनों को एम्पियर लॉ सेटिस्फाई करना है और इसे एंट्री के साथ एग्जिट और एग्जिट के साथ एंट्री भी देनी पड़ेगी, तभी वो एम्पियर सर्किट लॉ को फॉलो करेगा. ओके, एम्पियर लूप को फॉलो करेगा. नेक्स्ट इज अ सी. इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड द गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड. ओके, गॉसस लॉ की बात हो रही है. तो गॉसस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये था. क्यू मतलब चार्ज, और हमें पता है चार्ज जो है वो मोनोपोल है. या तो आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो या नेगेटिव कर सकते हो या दोनों, लेकिन मैग्नेट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है. मैग्नेट में आपको कंपल्सरी दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मींस के नॉर्थ एंड साउथ पोल लेने ही पड़ते हैं. बट यहां पे ये बताया है कि सिर्फ आप कोई एक ही पोल का मैग्नेट लो. मतलब कि एक ऐसा मैग्नेट है जो या तो फील्ड को बाहर निकालता है या तो फील्ड को एक्सेप्ट करता है. इमेजिन करना है, एग्जिस्टेंस नहीं है ये, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि एक ऐसा लो इमेजिन है. तो इस हिसाब से बी इंटू डी ए, अब हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू जीरो आता है, और सेम फॉर्मूला के लिए दोनों इनवर्सली बैठते हैं, ये डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमिनेटर में. ये चार्ज की वैल्यू है तो ये पोल की वैल्यू है. तो गॉसस लॉ कुछ ऐसे बनेगा, बी इंटू डी ए इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू क्यू एम. ओके, चलो नेक्स्ट. डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ? तो आंसर इज नो.
डस नॉट, मतलब कि बाहर मैग्नेट जब आप रखोगे, एक सिंपल सोचो, जब बाहर मैग्नेट आप रखोगे तो वो गोल गोल घूमता है अपनी ही फील्ड में, कभी नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता है, गलत बात है। तो डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर? मे बी यस, मे बी यस, बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स फॉर स्ट्रेट वायर इज जीरो। सपोज ये वायर है, ठीक है, अगर हम नॉर्मली ये बात करें कि ये फील्ड है, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स देगी तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा और दोनों ही एक दूसरे को अपोज करेंगे। सेम इसका फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर कोई एक पॉइंट पे आप फोर्स लगा सकते हो, लेकिन जब रिजल्टेंट फोर्स सभी एलिमेंट से जब रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो वो होगा जीरो, तो वो होगा जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट पे एक फील्ड से फोर्स लगेगा लेकिन सभी फील्ड से नहीं, तो रिजल्टेंट जो है वो हमारा जीरो है। लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्ज इन मोशन। कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो? अगर उसका नेट चार्ज जीरो है तो मैग्नेटिक होगा। चलो देखते हैं क्या है। यस होगा। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम बात करते हैं तो टोटल जो चार्ज होगा सिग्मा क्यू वो जीरो होता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, उसमें सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होता है, लेकिन उसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रेजेंट होती है। आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट मिलेगी और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होना दैट मीन्स वो बॉडी मैग्नेटाइज्ड है, बॉडी मैग्नेटाइज्ड होती है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5.7, एग्जाम्पल नंबर 5.8, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस, एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट फाइंड करो। ये अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट है, सॉरी ये मैग्नेट है, ये उसकी एक्सिस है, ये उसका इक्वेटर है, ये सेंटर से ये इक्वेटर मतलब कि रेडियस आर। ओके, तो आरी जो अर्थ की रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, उसके हिसाब से 6.4×10^6 मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर इज बी इक्वल्स टू μ04π m/r³। μ04π×10^-7, ओके, m/r³। चलो क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट सब्जेक्ट बनाओ, br³/10^-7, b
0.4 गॉस मतलब के 10^-4 टेस्ला, 6.4 10^+6 होल क्यूब, और ये -7 ऊपर आएगा +7। पूरी कैलकुलेशन आएगी 1.05 10^23 जूल पर टेस्ला, 1.05 10^23 जूल पर टेस्ला, जो कि मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट जो अर्थ की है 8 10^22 के बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 5.9। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि एच ई, एंड एच ई इज गिवन 0.26 गॉस, एंड द डीप एंगल इट्स आई इज 60। वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी ई ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन। ओके, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक अर्थ है बी ई, जो कि 60 डिग्री बनाता है, ये एच ई, ये जेड ई। तो लिखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज जेड इक्वल्स टू बी ई कॉस आई, जेड इट्स 0.26, बी ई इट्स कॉस 60, 0.26, cos 60 is 1/2, BE इट्स अ पॉइंट, ये दो मल्टीप्लाई करो 0.52 cos। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5.9। एग्जाम्पल नंबर 5.10। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब कि म्यू आर इट्स 400। द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 per meter, दैट मीन्स स्मॉल 1000 per meter, कैलकुलेट एच एम बी एंड द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। ओके, सबसे पहले हम लोग जाएंगे, एक काम करते हैं कि म्यू आर इक्वल्स टू व्हाट, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, और उसके हिसाब से अगर म्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो म्यू आर के साथ म्यू जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट इज H इज इक्वल्स टू एन आई, आई इट्स 2-3 एम्पियर पर मीटर, B इज इक्वल्स टू म्यू एच, म्यू जीरो म्यू आर एच, म्यू जीरो 4π 10^-7, म्यू आर इट्स 400, एच इट्स 2 10^3। तो पूरा कैलकुलेशन होगा 1.0048 टेस्ला, 1 टेस्ला। ओके, लेकिन मुझे बी फाइंड नहीं करना है, मुझे एम फाइंड करना था। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एम प्लस एच, बी के नीचे म्यू जीरो डाल दो
तो एम प्लस एच, तो एम को सब्जेक्ट बनाओ, बी बाय म्यू जीरो माइनस एच, तो अभी बी की वैल्यू जरूर पड़ी, तो बी की वैल्यू जो है वो है 1 है 4π 10⁻¹7, एच की वैल्यू 2×10�³। ओके, तो 10⁻¹7 को ऊपर भेजो, 10⁻²⁷, 4π इट्स 3.14 −2×10³। 10⁻¹7 के दो पार्ट करो, 10⁴ एंड 10�³, 12.56 −2×10³। 10⁴ मतलब के 10,000 डिवाइडेड बाय 12.56 माइनस टू, 10³ को कॉमन ले लो। ओके, ये कैलकुलेशन 796 माइनस टू 10³, 794×10³ एम्पियर पर मीटर। और लास्ट, द मैग्नेटाइजेशन करंट की अगर बात करें तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला कि बी इक्वल्स टू म्यू जीरो, एम की जगह पे चलो एम प्लस एच लिखो, म्यू जीरो एम की जगह पे एन आई एम, एच की जगह पे एन आई, म्यू जीरो एन कॉमन, आई एम प्लस आई बी, बी के नीचे म्यू जीरो एन, आई एम प्लस आई, चलो आई एम को सब्जेक्ट बनाते हैं, बी इट्स 1, म्यू जीरो मतलब 4π 10⁻¹7, एन मतलब 10³, और आई मतलब 2 एम्पियर। तो ये पूरा कैलकुलेशन आएगा 796 माइनस टू 794 एम्पियर। इतना ज्यादा करंट मैग्नेटाइज्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल 5.11, अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर, एल इट्स 1 माइक्रोमीटर 10⁻¹⁶ मीटर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज 55×10⁻³ किलोग्राम पर मोल एंड द डेंसिटी इट्स 7.9×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अज्यूम दैट ईच आयरन एटम हैज डाइपोल मोमेंट, ईच मतलब m1, 9.27×10⁻²⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे, कि वॉल्यूम ऑफ द डोमेन क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ डोमेन V इक्वल्स टू एल क्यूब, 10⁻⁶ होल क्यूब, 10⁻¹⁸ मीटर क्यूब। ओके, नाउ
Density rho is equals to mass upon volume. Mass is equals to density into volume. 7.9 10 raised to 3. Volume, it's 10 raised to minus 18. 7.9 10 raised to minus 15 kilogram. मास ऑफ अ डोमेन, एक डोमेन का मास इतना होगा, ठीक है। चलो, तो हमें पता है कि भाई एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से अगर मास 55 टेन रेस टू 3 किलोग्राम आयरन कंजिस्ट एन ए मॉलिक्यूल्स, 7.9 टेन रेस टू माइनस 15 किलोग्राम आयरन कंजिस्ट एंड मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 7.9 टेन रेस टू माइनस 15 इंटू एन ए 6.023 टेन रेस टू 23 डिवाइड बाय 55 टेन रेस टू 3 किलोग्राम, कैलकुलेशन 8.65 टेन रेस टू 10 मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ओके, चलो बात करते हैं कि भी मेरे पास एन आ चुका है नंबर, ठीक है। अब बात हो रही है कि भी एक की एम वन है तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगी इट्स एन एम वन, एन 8.65 टेन रेस टू 10, एम वन 9.27 टेन रेस टू माइनस 24, तो ये वैल्यू कुछ आएगी अराउंड 80 टेन रेस टू माइनस 14, 8 टेन रेस टू माइनस 13 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब लास्ट फाइंड करना है मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, सिर्फ मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो ही आप अप्लाई करोगे, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम बाई वी, मैक्सिमम लगा दो 8 टेन रेस टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू माइनस 18, 8 10 रेस टू 5 एम्पियर पर मीटर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल सेशन ओवर होता है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज कमेंट इन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।